मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जल्द ही जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि मुकेश अंबानी ने जेफ बेजोस को उन्हीं के अंदाज में पटक नहीं देंगे। दरअसल अमेज़न के जेफ बेजोस ने अपने विस्तार के लिए छोटी छोटी कंपनियों के टेक ओवर पर बड़े स्तर पर दाव लगाया था। पिछले करीब 20 साल के दौरान जेफ बेजोस ने करीबन 70 कंपनियों को खरीदा या उनमें निवेश कर चुके हैं। इसी तर्ज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी छोटी छोटी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रही है या निवेश कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 महीने के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज 24 मर्जर और एक्विजिशन डील कर चुकी है। इसमें 15 डील ऐसी हैं जिन पर कंपनियों को खासा खर्च करना पड़ा है। RIL ने ज्यादातर निवेश मीडिया प्रोडक्शन, केबल नेटवर्क, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूनिट्स में किया गया है। अगले 4-5 महीने में रिलायंस का भारत में ई कॉमर्स कारोबार शुरू करने का प्लान है। इसकी शुरुआत मुकेश अंबानी गुजरात से करेंगे। इस खास रणनीति के तहत मुकेश अंबानी छोटी छोटी कंपनियों में निवेश कर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं, ताकि उनके ई कॉमर्स और टेलीकॉम बिजनेस को भविष्य में फायदा मिल सके। मुकेश अंबानी टेलीकॉम कंपनी के सहारे अपना ई कॉमर्स कारोबार खड़ा करना चाहते हैं। जियो के नेटवर्क से ही मुकेश अंबानी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी खड़ी करेंगे। कुछ साल पहले तक RIL को दिग्गज एनर्जी कंपनी के तौर पर जाना जाता था। अभी रिलायंस को भले ही ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कैश जनरेट करने वाली यूनिट बनी हुई है, लेकिन अंबानी की नजर फ्यूचर में बिजनेस के विस्तार पर बनी हुई है। वैसे भी वो कई मौके पर कह चुके हैं, डाटा ही नया ऑयल है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल के दौरान किए गए कुल $5.3 अरब के निवेश में 79% टेलीकॉम सेक्टर में किया गया है। इन डील्स का फायदा RIL के शेयर को भी मिलता दिख रहा है। मार्च 2018 की तुलना में एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर करीबन 46% मजबूत हो चुका है। इससे भारत की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी की डील्स पर निवेशकों का भरोसा जाहिर होता है। रिलायंस ने अक्टूबर 2018 में $63 करोड़ की एक बड़ी डील की थी, जिसके जरिए RIL ने डेन नेटवर्क की 59% हिस्सा खरीदा था। इसके अलावा हैथवे केबल की 51% हिस्सेदारी खरीदी थी। फरवरी 2018 में ईरोज की 51% हिस्सेदारी खरीदी, जिसके लिए $15 करोड़ चुकाए। जून 2018 में रेडिसस की 100% हिस्सेदारी खरीदी, जिसके लिए $7.4 करोड़ चुकाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये डील देश में केबल टीवी और ब्रॉडबैंड मार्केट को टॉप कंपनी बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे रिलायंस जियो को फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विस गीगा फाइबर की लॉन्चिंग में खासा मदद मिलेगी। इसके अलावा मुकेश अंबानी का ई कॉमर्स में पैठ जमाने का सपना भी पूरा हो जाएगा।